फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी रामनवमी। इस बार कंचक नहीं जमा पा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए, माता रानी के लिए, अपनी फैमिली के लिए ही प्रसाद बना लूं। और ये हलवा चना का प्रसाद हर घर में आज के दिन बनता है, इसमें कोई खास नहीं है, लेकिन एक बार आप मेरी तरह से बना के जरूर देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चना के लिए मैंने चना को पानी और नमक के साथ बॉईल कर लिया है और एक मसाला का पेस्ट बनाएंगे हम। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा हाफ हाफ चम्मच धनिया, जीरा, सौंफ, खसखस, काली मिर्च, तेज पत्ता, दो सूखी लाल मिर्च और कस्तूरी मेथी लेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। तड़के के लिए कुटी हुई लौंग, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, घिसी हुई अदरक और हरी मिर्च, और इसके अलावा मुझे काला नमक, टोमेटो पेस्ट, हल्दी, नॉर्मल नमक, थोड़ा सा चना मसाला, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल क्योंकि हमने इसमें सूखी लाल मिर्च लिया है, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, मैंने यहाँ कलर के लिए यूज किया है, और तेल ऑलिव ऑयल में मैंने बनाया है, आप चाहो तो घी में भी बना सकते हो। और हलवा आज मैं घर के लिए बना रही हूँ, चूंकि कंचक लोगों को नहीं खिलाना है तो फिर मैं इसको गुड़ में बना रही हूँ। हम लोग चीनी अवॉइड करते हैं तो ज्यादातर चीज मीठी वाली हम गुड़ पाउडर के साथ ही बनाते हैं, और यकीन मानिए आप एक बार गुड़ पाउडर के साथ बनाए आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। कोशिश करें शुगर को अवॉइड करने की। इसके लिए हमने बेसन लिया है, आज मैं सूजी का हलवा नहीं बना रही, बेसन का बना रही हूँ। बच्चों को हमारे घर में बेसन का हलवा बहुत ही पसंद आता है। बेसन, घी, गुड़ पाउडर और इलायची पाउडर, और पूरी के लिए हमने आटे में नमक और जीरा और थोड़ी सी मोयन के साथ गूंथ लिया है आटा। अब मैं ये सारे मसाले को ग्राइंड कर लूंगी, पहले ग्राइंडर में डाल के सूखा मिक्सी चला लूंगी, फिर पानी के साथ पीसूंगी ताकि वो महीन पेस्ट बनाए। पहले ही पानी ऐड कर देंगे तो पेस्ट महीन नहीं बनेगा, इसलिए पहले हम सबके साथ सूखा ग्राइंड करेंगे फिर पानी के साथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, अब पैन में ऑयल डालूंगी। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल यूज किया है, आप घी भी यूज कर सकते हैं। उसमें ये खड़े गरम मसाले, क्रस्ट लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी डाल दूंगी। थोड़ा सा क्रैकल होने दूंगी, फिर ग्रेटेड जिंजर और हरी मिर्च डाल दूंगी। थोड़ा भूनने के बाद मैंने जो पेस्ट तैयार कर रखा था वो डालूंगी। और टमाटो पेस्ट भी डाल दूंगी, बहुत छोटा, हाफ छोटा एक टमाटर और बड़ा टमाटर है तो हाफ। मैंने चना जो है एक बॉल लिया है तो इसके लिए बड़ा टमाटर हाफ या छोटा टमाटर एक। हल्दी, नमक, काला नमक, मैंने थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी लिया है, आप स्किप कर सकते हैं, और MDH का चना मसाला, इसमें लहसुन प्याज नहीं होता है, आप ये नवरात्रि में यूज कर सकते हैं कंचक के लिए।
मसाला जले नहीं, थोड़ा सा पानी डाल दे। थोड़ा सा चाहे तो आप हींग भी डाल सकती हैं। मैंने शुरुआत में तड़के में हींग नहीं डाला है, अभी मसाला भूनते टाइम डाला है, इससे हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आपको अगर पसंद नहीं है तो तड़के में डाल सकती हैं या स्किप भी कर सकती हैं। मसाला अच्छी तरह से भून गया है, तेल को छोड़ने लगा है। अब इसमें चना जो हमने उबाल रखा था पानी के साथ ही इसको डाल देंगे, पानी को फेंके नहीं। चना का पानी बहुत ही पौष्टिक होता है और इसको ढक के पानी सूखने तक पका लें। चना हमने पकने के लिए साइड में रख दिया है, अब हलवा बनाऊंगी। हलवे के लिए मैंने घी लिया है, वैसे तो रेशियो है जितना बेसन उतना ही घी, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस हलवे में हम घी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। चीनी को हमने कट कर दिया है, लेकिन घी थोड़ा ज्यादा डालना ही पड़ता है। वैसे घी इतना अनहेल्दी भी नहीं है, घी हमारे सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है। घी डालने के बाद इसमें बेसन को डाल देंगे और बेसन को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। ये देखिए घी इस हलवे में थोड़ा ज्यादा जाता है, तभी ये बहुत ही अच्छा बनता है। बेशक साल में एक ही बार खाएं, लेकिन इसको इतने घी के साथ जरूर बनाएं। हाँ, चीनी को हम स्किप कर सकते हैं। बेसन अब भुन गया है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें अपने पसंद का मेवा भी डाल सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम। मेरे बच्चों को पसंद नहीं है इस हलवा में, मैं सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा बादाम के साथ सजा देती हूँ। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी और गुड़ पाउडर साथ में डालेंगे। रेडी हो गया है, इसको बादाम, कुटी हुई बादाम के साथ सर्व करें सजा। ये देखिए गुड़ के साथ भी कितना टेस्टी हलवा तैयार हुआ है। घी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन चीनी को अवॉइड करके हम थोड़ा इसको हेल्दी बना दिए हैं। अगर आप सबको मेरे ये हलवे चने पूरी की रेसिपी पसंद आई तो कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें।